जिलाध्यक्ष महोदय जब आप हम बैठेंगे तो हम हमारे कर्म कैसे होंगे। और वो जब बढ़ाती थी कि उनको एक ऐसा मंत्र मिल गया, इनमें कौन सा ऐसा बल आ गया। तो मैं समझता हूँ वो बड़ा गुण मंत्र था और कोई ही ऐसा दुर्लभ, हर कोई लड़ने में अपनी महारत हासिल करता था, लेकिन उनका मिशन था कि अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा को लेकर जो उन्होंने आंदोलन चलाया। हम तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि महात्मा गांधी की किलर्स, जिस फिलासफी और विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो आज बल पकती जा रही है। महात्मा गांधी के हथियारों की विचारधारा जो नाथूराम गोडसे को पूजती है, उनके मंदिर बनाती है, वो विचारधारा इस देश के लिए खतरनाक है। अनेकता में एकता के नारे और विचारधारा पर चल के कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए इस देश को आज़ाद कराया कि ये देश गुलदस्ता है। अनेकता और एकता और टॉलरेंस और भाईचारे से हम मजबूत भारत उभर के आए हैं, लेकिन साथ साथ आज हम ये प्रण भी लेते हैं कि उन विचारधाराओं, उस फिलासफी, उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। सत्याग्रह और अहिंसा पे चल पे लोग सरकार से अपना हक मांगते हैं, सरकार को उनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। और पूर्ण तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जायज़ मांग, वो किसानों का ही मसला नहीं है, इस देश के हर गरीब हम आम नागरिक का मसला है कि कल अगर किसान लुटता है, अन्नदाता जो है वो अगर लुटता है और उसकी ज़मीन लुटती है, तो उसका असर आम उपभोक्ता, आम आदमी, आम नागरिक और गरीब आदमी पर पड़ेगा, महंगाई का। इसलिए हम साथ खड़े हैं। महात्मा गांधी की आज शहीद दिवस पे हम एक तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी विचारधारा को मजबूत करने के लिए हमें ऐसा प्रयास करेंगे, उनके असूलों पे चलेंगे, लेकिन साथ साथ ये आह्वान करते हैं कि उनके बताए जो हथियार हैं पुरमन, उसको सरकार जो है वो सम्मान करें।